तो आज मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पास्टर देव है, मुझे पंजाब में पास्टर देव से के नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेरा रियल नेम जो है दविंदर सिंह है। हालेलुया। और खुदा ने मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को 18 साल पहले अपने पास बुलाया अपनी महिमा के लिए। और तब हम जीरो थे, हमें घर से निकाल दिया गया था। और जैसे हम घर से निकले तो किसी ने मेरे छोटा पर्चा दिया कि भाई अब चर्च जाया करो। और तब से मेरे माँ पे, मेरे माँ और मेरे बाप जैसे चर्च जाने लगे। और खुदा ने हमें होल्ड किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। और ये पर्पस है, आपने बहुत सारी चीजों को समझना है, ये पर्पस था हमारे चुने जाने का। अगर आप खुदा में चुने गए हैं, अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, इसका एक पर्पस है, इसका एक उद्देश्य है कि आप यहाँ पर हैं। हालेलुया। इस बात को आपने समझना है और इस बात को अपनी लाइफ में, अपने जहन में रखना है कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ। हालेलुया। तभी वो डिवाइन जो पर्पस है खुदा का आपकी लाइफ में जो क्लियर होगा, वो पास होगा। हालेलुया। वो एग्जीक्यूट होगा। हालेलुया। खुदा बरकत दे। और जब हम प्रभु में शुरू में आए, हमें समझ नहीं आ रहा कि वचन क्या है, क्योंकि हम बच्चे थे। मेरे माँ बाप को समझ आया, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे समझते रहे। एक बात पास्टर जी मैं भूल जाऊंगा, ये मुझे अच्छी लगी, सिस्टर ने मुझे मेंशन किया, और इस बात को मैं पहले जज कर रहा था कि पास्टर जी अपने लोगों को यहाँ पे मौका देते हैं प्रीचिंग का, ऐसा ही पास्टर जी। और ये आई लव दिस चर्च, दैट्स ऑल, मुझे इस चर्च से प्यार है जो पास्टर ऐसा कर रहा है। मैं करूंगा, मेरा बेटा करेगा, मेरी बेटी करेगी, मेरी पत्नी करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, बट वो पास्टर आपको मौका दे रहे हैं और ये बहुत जबरदस्त है। हालेलुया। और क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक कॉलिंग है मिनिस्ट्री में चेले बनाने की, डिसाइपल मेकिंग, तो मेरे हिसाब से पास्टर जी की वो कॉलिंग है। हालेलुया। जब हम खुदा में चुनेंगे, खुदा ने हम एक झुग्गी में रहे, एक अच्छे घर से निकल कर झुग्गी में रहे, घास फूस की झुग्गी में रहे 7-8 साल। खुदा ने वहीं पे हमें सिखाया, वहीं पे हमें उसने हमें पाला पोसा अपने वचन में, शारीरिक खुराक में, हर एक तरीके की खुराक खुदा ने वहां पे हमें दी। लेकिन 2010 में खुदा ने मुझे पढ़ने के लिए एक पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, पंजाब के पास, वहां पे मुझे भेजा मेडिकल की स्टडीज के लिए। और मैं वहां पे 3-4 साल पढ़ा, मैंने वहां पे बैचलर्स इन बायोफिजिक्स ऑनर्स मेडिकल साइंसेज में, मैंने बेसिक मेडिकल साइंसेज में मैंने बैचलर किया वहां से। और जब मैं मास्टर्स में गया, जैसे ही मास्टर्स में खत्म हुई, तो मेरी लाइफ में खुदा के नबी ने बोला कि तू खुदा का चुना हुआ और तू सेवकाई के कामों में जाएगा। सेम डे सेम टाइम मैंने अपने को सरेंडर कर दिया खुदा के लिए, सेम टाइम। हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में मैंने किसी खुदा के खादिम से एक वर्ड सुना था कि जो अच्छा चेला होता है, जो अच्छी भेड़ होती है, वो सुनती है और वैसा करती है। मेरे कान में वो आवाज पड़ी कि तू खुदा का चुना हुआ है, तुझे सेवकाई करनी है और फुल टाइम करनी है, काम तेरे लिए बना, खुदा का काम तेरे लिए बना, दूसरा काम तेरे लिए नहीं है। मैंने वर्ड्स को रिसीव किया और मैं उसमें घुस गया। हालेलुया। और आज आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। हालेलुया। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं कैसी उम्र का नौजवान है, कहीं गुस्सले वाला ना हो, ये वो दिमाग से पता नहीं कैसा होगा, कुछ मन में चल रहा होगा, ऑब्वियस है, चलना चाहिए भी। हालेलुया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं खुदा का चुना हुआ हूं और मैं बड़े होश आवाज में, मैंने समझ में, मैंने बुद्धि के साथ, मैंने आत्मा के साथ अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर किया कि खुदा मैं कथा हूं, मेरे ऊपर का जहां तू लेके जाना चाहता है ले चल। हालेलुया। हालेलुया। और आज आपके सामने खड़ा खुदा की महिमा के लिए। और खुदा, जब मैं दुबई के लिए आ रहा था, खुदा ने मुझे, मैं 4 डेज की फास्टिंग में था, क्योंकि खुदा जब अगुवाई करता है तो आप जब फास्टिंग में जाते हैं रिजल्ट आते हैं। तो जब मैं 4 डेज की फास्टिंग में था, खुदा ने मुझे बोला कि यहाँ पे 17 लोग ऐसे होंगे दुबई में जो मुझे मिलेंगे, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े काम होंगे, 17 लोगों की लाइफ के अंदर। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से खुदा ने बोला उनकी लाइफ में बड़े मौजूदों को खुदा करने जा रहा है। हालेलुया। आप में से कौन है, किसको विश्वास है, कौन है भाई, बोलिए। हालेलुया। विश्वास है, आज इसी बात पर मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। 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 जैसे मैंने उनको क्वेश्चन पूछा, वो मौजूदा लेने वाला आप में से कौन है, बहुत सारे लोग मैं तो नहीं हो सकता, लेकिन ये क्या है, ये आपके मन के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, आपकी जुबान के ऊपर, आपके विश्वास के ऊपर एक पत्थर रखवा कि नहीं मैं तो नहीं हो सकता, मुझे कहाँ बरकत मिलेगी, मैं तो चर्च भी अच्छे से नहीं आता। हालेलुया। ऐसा नहीं है। आज एक वचन के द्वारा हम सीखेंगे, एक वचन फ्रॉम द बुक ऑफ जॉन हम पढ़ेंगे, उसका हम चैप्टर 11, जिसका जो शीर्षक है, जिसका टाइटल है आज,
टाइटल तो कुछ और लिखा हो पास्टर जी, जो आपने बनाया था, मैंने आपको बोला था कि मैं फिक्स नहीं हूँ उस प्रीचिंग के लिए, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक है जो टाइटल है कि मुसीबतों के पत्थर को हम कैसे उठाएं, कैसे उसको दूर करें। हालेलुया, मुसीबतें, पेन, बीमारियां, दुख, स्ट्रेस और बहुत अविश्वास, सबसे बड़ी बात अविश्वास। एक पत्थर हमारे जहन में रखा जाता है, हमारे जुबान में रखा जाता है, हमारे मन के अंदर, हमारी आंखों के अंदर, हमारे हाथों के अंदर अविश्वास का एक पत्थर रखा जाता है। वह बोलेंगे कैसे? हालेलुया, अगर कोई, अगर आपके सामने कोई बीमार बंदा लाया जाए और आप पास्टर नहीं है, आप एक नॉर्मल विश्वासी हैं और आपको बोला जाए कि आप दुआ करें, आप डर जाएंगे क्योंकि आपके आपके मन के अंदर एक पत्थर है अविश्वास का, अरे मेरे से चंगा होगा नहीं होगा, अगर नहीं हो तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरे अंदर तेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं इसकी प्रेयर नहीं कर। ऐसा होता है किसी के साथ? ऐसा होता है किसी के साथ? जब आप गिर जाते हैं, जब आप गिर जाते हैं, या जब कोई आपका भाई गिर जाता है, आप उसके लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं, उठ ही नहीं रहा, निराशा जाती है, अविश्वास का पत्थर आपके ऊपर आ जाता है। अरे अरे कुछ, कभी आपकी जॉब चलेगी यहाँ से, दुबई में आप रहते हैं, पराए मुल्क में आप रहते हैं, यहाँ पर बड़ा टफ जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, बड़े मुश्किल है कि नहीं जी? और आपको काम के बिना आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते। इंडिया पाकिस्तान में हम काम ना करें चल जाएगा, क्योंकि शाम की रोटी ही खानी है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी जॉब बाय चांस चली जाए, आपको जॉब ना मिले और आपकी सैलरी कम हो और आपके खर्चे ज्यादा हो, और एकदम एक काम काफी टाइम के लिए आपके साथ होता रहे, आप नेगेटिविटी में, आप लो में जीते रहे, आपका विश्वास टूट जाएगा कि मैं चर्च तो जाता हूं, मैं प्रार्थना भी कराता हूं, लेकिन एक नेगेटिव स्पिरिट, एक नेगेटिविटी, एक अविश्वास का पत्थर आपकी जुबान पे काम करने लग जाता है और रखा जाता है आपकी जुबान के ऊपर, आपके मन के ऊपर, कि पता नहीं मेरा कुछ बनने वाला है या मेरा नहीं बनने वाला। आपके बच्चे नशे करने लग गए हैं, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया, अरे 6 महीने हो गया, साल हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, अविश्वास का पत्थर आपके ऊपर रखा गया। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। और क्या है फिर? एक सबसे बड़ा पत्थर जो विश्वासी के ऊपर होता है, ना देने का पत्थर। दसवां सर, अरे मैं तुमका कम हो जाएगा, घर भी भेजने, घर मम्मी को चाहिए, पापा को चाहिए खर्चा, घर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये करना, दसवां अगले महीने, भेंट अगले महीने दे देंगे, इस महीने नहीं दे देंगे। ये भी एक पत्थर है जो आपके मनों के ऊपर रखा, बहुत सारे लोगों के ऊपर। लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं इस महीने नहीं अगले महीने दे देंगे, इस महीने नहीं अगले महीने, कोई बात नहीं, चल जाएगा। अरे चल जाएगा, पास के पास बड़े पैसे, कोई बात नहीं, पास हमारे पैसे खा देगा। ऐसे सच बात है, रियल है, रियल, दिस इज रियल। ऐसा है कि नहीं जी? कि किससे बात कर रहा हूं मैं? हाथ खड़े कीजिए, किससे बात कर रहा हूं मैं? कौन सुन रहा, मुझे सुन रहे हैं? हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं कि आपके मन के ऊपर एक पत्थर रखा गया कि हम क्यों दुश्मन थे, हमें क्या जरूरत पड़ी, कमाने तो मैं घर के लिए हूं, क्यों पास्टर को दू, क्यों चर्च को दू? अब वचन आपने सुना भी है, टाइट देना मुझे, वचन आपने सुना भी, आपने पढ़ा, मुझे टाइट देना, मुझे ऑफरिंग देनी है खुदा के कामों के लिए, खुदा के काम आगे बढ़े। जब मैं यहाँ पे होली ट्रिनिटी में, जब अभी हम वहां से मैं प्रीचिंग करके आया हूँ, अब मैं एक बात भाई से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा इट्स गुड कि यहाँ पर एक एक, एक एक इतना बड़ा लोकेशन में 4-5-6 इतने रूम चैपल बने हैं ताकि खुदा के नाम की स्थाइश वहां पे हो सके। लेकिन वो कैसे बने आपको पता है? अगर किसी ने अपने मन से पत्थर उठाया कि नहीं मैं अपने पैसे यहां पर खर्चूंगा, चर्च बनवाऊंगा, तब वो काम हुआ। हालेलुया। कौन समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? लेकिन आपके अंदर भी ऐसी बातें चल सकती हैं कि मेरे आपके मन के ऊपर, आपके दिल के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर, आपकी पॉकेट के ऊपर पत्थर रखा हो कि भाई इसके अंदर से मैं क्यों दसवां निकालूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से क्यों निकालूं टाइट देने के लिए। एक पत्थर आपकी जुबान पे रखा हुआ है। हालेलुया। इस बात को मैं, हम वर्ड के साथ हम ट्रेस करते हैं अपने समझने इस बात को, हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11। एक जना पढ़े प्लीज आगे आगे, द बुक ऑफ, वेट, वर्स 38, वर्स 38, 35। हालेलुया। यहां पर एक वाक्य है, मार्था, मरियम, लाजर और यीशु मसीह का। किसका जी? और आपको पता है जो लाजर था, यीशु मसीह का एक प्रिय मित्र था, यीशु मसीह का एक दोस्त था और अच्छा विश्वासी था, और मार्था और मरियम दो सगी बहनें थी, किसको इस बात का पता है? लेकिन एक समय आया कि लाजर की डेथ होगी, लाजर की क्या होगी? डेथ होगी। और जब वो उसकी डेथ हुई, तब यीशु मसीह उसके पास नहीं था, यीशु मसीह किसी
दूर जगह पे मिनिस्ट्री के लिए गया हुआ था, और जैसे उसकी डेथ हुई दोनों बहनें के बाद बोलती है मार्था और मरियम कि अगर यीशु मसीह जहां पर होता वो ना मरता, वो तो जीवित होता। बोला हालेलुया। और ये खबर यीशु मसीह तक पहुंची। दो दिन के बाद, एक दिन के बाद, कुछ समय के बाद खबर यीशु मसीह के पास पहुंची कि मेरा दोस्त एक विश्वासी लाजर तो मर गया है। और किसी ने बोला कि जा उसकी खबर लेके आ। यीशु मसीह ने बोला हम दो दिन बाद वहां पर जाएंगे। और जब यीशु मसीह शहर में आया और शहर में आते ही मार्था और मरियम को पता चला कि यीशु मसीह जगह पे आ चुका है, और भागी भागी दौड़ दौड़ी गई और बोलती यीशु मेरे प्रभु मेरे स्वामी अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। दोनों बहने दुख में है, और जब बहुत सारे लोग रो रहे थे यीशु मसीह उनको देखकर दुख में आ गया। और बाइबल में लिखा यीशु मसीह रोया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या हुआ, यीशु मसीह को क्या हुआ, वो रोया। याद रखना अगर आप दुख में हैं आप नहीं रोते, आपके साथ आपसे पहले वो भी रोता है क्योंकि वो बड़ा बाप है, बापों का बाप है। हालेलुया। बाप के लिए एक दुख रखता है, उसको क्या जरूरत है, वो क्यों आया संसार पे, हमारे लिए, हमारे आंसू को खत्म करने के लिए। लेकिन हमारे आंसू तब खत्म हुए जब खुद भी रोया, जब खुद उसने अपना लहू दिया। हालेलुया। जब उसने अपना लहू आपके और मेरे लिए दिया तब हम हंसने लगे हैं। लेकिन वहां पे शोक था, वहां पे शोक था, वहां पे सब कुछ रोने रोने वाला था, और एक नेगेटिव माहौल था। क्या माहौल था जी, नेगेटिव। अगर आप ऐसे माहौल में चले जाएंगे, आप 100 बंदे रो रहे हैं और आप अकेले पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आप भी उनके साथ बोलोगे अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब उसका है, सब उसका है, वहीं से आया वहीं चला गया, कोई बात नहीं, अब देखते रहें, ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, कुछ ऐसी बातें जो भी संसार करता है। हालेलुया। लेकिन याद रखना यीशु मसीह भी डिफरेंट है, अलग है कि नहीं जी। हालेलुया। किसकी जिंदगी में यीशु मसीह ने अलग काम किए, बड़े काम किए, हाथ खड़े करें, जोर से तालियां दें यीशु मसीह के लिए। और जैसे ही यीशु मसीह वहां पर आया, एक नेगेटिव माहौल था, एकदम नेगेटिव। और मार्था भी यीशु मसीह को आते ही बोलती है, और मरियम भी यीशु मसीह को आते ही बोलती है कि अगर प्रभु अगर तू होता वो ना मरता, अगर तू होता यहाँ पे तो ना मरता, ना उसकी मृत्यु होती, तू उसको बचा लेता, क्योंकि वो तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू पुनरुत्थान है, तू जिलाता है मुर्दों को भी, तू मुर्दा हड्डी को भी जिलाता है, तू मुर्दा आंखों को भी जिलाता है, तो इसको भी जिला देता, जिला छोड़ इसको मरने ही ना देता, उनकी जुबान ऐसे बोल रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया उस शहर के अंदर मार्था और मरियम के पास, तब उसकी डेड, उसकी उसको डेड हुए 4 दिन हो गए थे। कितने दिन जी, कितने दिन जी। और जैसा मैं सुनता हूँ साइंटिफिकली एक फैक्ट है कि अगर 3 दिन के बाद बंदा 3 दिन तक डेड रहे, 4th दिन मुश्किल है कि वो वापस उसके अंदर सांस आए, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आया, एक बात हुई, एक वाक्य हुआ, सुनना ध्यान से, इस वचन को पढ़ना, द बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 11 का 38 हम पढ़ेंगे, 38 प्लीज, कोई ऊंची आवाज में पढ़े, सब सुनना ध्यान से। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर, जब हिंदी हिंदी मुझे समझ गया, हिंदी में पढ़िया, कौन सा हिंदी बोलो, पंजाबी जी, हाँ जी तो पंजाब, अच्छा ओके, मुझे निकालो, मुझे उर्दू नहीं समझ आएगा जी, बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिस्टर शालिनी पढ़ी, ओके 38 मिल गया जी, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उसका द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 38 उसमें लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हालेलुया। जब उसने देखा कि सब जगह नेगेटिव माहौल है, क्या है, सब रो रहे हैं, सब दुख में है कि जी मर गया, जी मर गया, और ये बहनें अकेली रह गई हैं, ये दुख में रह गई हैं, इनके पूछने वाला कोई है नहीं। आपको पता है संसार में रहते हुए जिसके पास माँ बाप नहीं है उसको कुछ भी नहीं है, उसको कोई पूछने वाला, पूरा संसार बोला सांत्वना दे रहा है, उसको कंसोल कर रहे हैं कि कोई बात नहीं बहन, जिसने जाना था वो चला गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह वो तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है, वो क्या बोलता है, जब उसने सबको रोते हुए देखा उसके मन में भी दया आई, उसको वो भी रोया, उसका मन भी उदास हो गया। हालेलुया। जैसे मार्था और मरियम का मन उदास था, यीशु मसीह का मन भी उदास हो गया। और प्रभु उदास होता है जब आप पाप करते हैं, आप बड़ी आसानी से पाप कर देते हैं, लेकिन खुदा उदास होता है। आपकी जिंदगी में कुछ नेगेटिव हो गया, खुदा
उदास होता है। आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ये जॉब चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरी सैलरी नहीं, मेरी प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरा घर पे कुछ नहीं है, आप उदासी में हैं। याद रखना, यीशु मसीह आपके लिए उदासी में वो भी रोता है कि कब ये चर्च में रेगुलर आएगा, कब ये दुआ में पड़ेगा, कब ये पॉजिटिव वर्ड्स को बोलने लगेगा, कब ये प्रेयर में जाएगा, कब मैं इसको बरकत दूंगा। हालेलुया, क्योंकि आपके बिना बोले खुदा बरकत नहीं देता। याद रखना, वो जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है कि अगर आप बोलो कि आप मुझे बरकत दे, वो चाहता नहीं और मैं बोलूं कि हां तुझे बरकत देने वाला। नो, आपकी विल चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए, ऐसा है कि नहीं? हालेलुया। और मार्था और मरियम की इच्छा थी, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी चल रही थी, वो तो मर गया, बात खत्म। दूसरी बात उनके मन में है ही नहीं थी कि जीवित भी हो सकता है। हालेलुया। और क्या हुआ, यहां पे पढ़ेंगे, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। बोला हालेलुया। यीशु मसीह कहां आया, कब्र पर आया, और जिस कब्र के अंदर मुर्दा लाजर को रखा गया था, और लिखा बाइबल में उस कब्र के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था। बोले हालेलुया। क्या रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। और जैसे यीशु मसीह ने बोला, और यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, यीशु मसीह ने क्या बोला, सारे बोले मेरे पीछे, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, आप नहीं बोले जी, बोले पत्थर हटाओ, सब बोलने चाहिए, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए आप मुझे सुन रहे हैं, नहीं तो फिर मैं खाली अपने लिए प्रचार कर रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। हालेलुया। फिर से बोले पत्थर हटाओ, यीशु मसीह ने क्या बोला, पत्थर हटाओ, ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर। बोलो हालेलुया। जब दुख था, दुख में रिक्वेस्ट नहीं करी, बोला ऑर्डर, ऑर्डर दे दिया, बोला पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, बोला पत्थर हटाओ। अरे लोग रो रहे हैं, लोग बोले अरे पागल हो गए, सट्टे गए यीशु मसीह, अरे ये क्या कर रहा है, पत्थर उठाने को, तीन दिन पहले, चार दिन पहले कब्र में रखा है, हमने मुश्किल से कब्र में रखा है, उसको सजाया, उसको संवारा है, और ये क्या, सट्टे गए यीशु मसीह, पागल हो गया। फरीसी ऐसा सोच रहे होंगे, यहूदी ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा ही सोचते यीशु मसीह के बारे में। पता बाइबल में आपको लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में नेगेटिव सोचते थे, अरे ये क्या करने वाला है, आप क्यों उठाए हम पत्थर, और ऊपर से क्या हुआ। और यीशु ने कहा पत्थर उठाओ, उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, फिर मार्था वहां पे थी, मार्था बोलने लगी, क्या बोलती है लाजर की बहन मार्था, कह रही हे प्रभु, अब उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसको मरे हुए चार दिन हो चुके हैं। बोला हालेलुया। क्या बोलती है, यीशु तू पत्थर हटाने को रहने दे, उसके अंदर से दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल, उसके सड़ियां आ रही है, सड़ने की स्मेल आ रही है, उसको मरे हुए कितने दिन हो गए जी, सारे बोलो कितने दिन हो गए जी। अरे यीशु मसीह बोलता, मार्था मार्था, दुर्गंध इसके अंदर से नहीं आ रही, तेरे अंदर से अविश्वास की दुर्गंध आ रही है। कौन समझा, हालेलुया। बोलता दुर्गंध इसके अंदर नहीं, दुर्गंध तो तेरे अंदर से अविश्वास की आ रही है, क्योंकि मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था कि तू खुदा की महिमा को देखेगी इसके जरिए। हालेलुया। किसने वचन को इसको पूरा पढ़ा है, जिन्होंने इसको पढ़ा है, किसके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल ऊपर उठाएं, किसके पास अपनी बाइबल है प्लीज दिखाएं मुझे, किनके पास, किनके मोबाइल में बाइबल है। देखिए एक बात हमको क्लियर कर देता हूं, जितने के पास ये असली बाइबल है वो तो जाएंगे असली स्वर्ग में, जिनके पास है डिजिटल बाइबल वो जाएंगे डिजिटल स्वर्ग में, ख्वाबों के स्वर्ग में। जिनके पास दोनों है वो कहीं भी घूमे उनकी मर्जी, वो डिजिटल में भी जाए, वो रियल में भी जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके फोन में, अगर आपके फोन में ये बाइबल है ना, ये पता किस चीज के लिए, ताकि आप ट्रेवलिंग के टाइम पढ़े, या इतनी ठंड हो गया रजाई में पढ़े जाए, इसके बिना कुछ नहीं। इसका रियल में आज के दिन तो कम से कम आपके पास ये होनी चाहिए थी, इसको भी बाहर समझ लिया कि नहीं तुम्हें शाम है, आज हम थोड़ा घूमने जाएंगे, कौन होल्ड करेगा बाइबल को हाथ में, हमने तो घूमना भी, मार्केट भी जाना है, और इतनी बाइबल कौन उठाएगा, दोनों आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ के नहीं, हम वहाँ के हैं, और वहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम, याद रखना। और वहाँ की तैयारी फिर अच्छे तरीके से होती है, ऐसे चलने फिरने से नहीं होती। आप चलते फिरते विश्वासी ना बने, आप चलते फिरते विश्वासी ना बने, पक्के वाले, कौन से वाले जी, पक्के वाले। बोलो हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूँ प्रणाम में, मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा आपके ऊपर यीशु मसीह का ऐसा रंग चढ़ जाना चाहिए, धोए उतरे ना, फाड़े उतरे ना, फाड़ दो तब भी उतरेगा। हालेलुया। आप ऐसे भी जाते बने, बोलो हालेलुया। लेकिन क्या होता है जब मुसीबत आती है, पास जी
पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है। पास्टर जी मैंने तो सोचा बैठा, पास्टर जी मैं दसवाल भी तो देता था, पास्टर जी कभी जुम्मा मैंने छोड़ा चर्चा में से। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया एकदम से, खुदा को पता नहीं नामंजूरी होगी इस बात की, मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया, मम्मी बीमार हो गई, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, सैलरी भी नहीं मिली चार महीने से, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, किस्तों वाले फोन कर रहे किस्त भरो भी किस्त दो किस्त दो, कहाँ जाऊँ, नेगेटिविटी आ गई। बोला हालेलुया। और मार्था वाला काम हो गया, मार्था क्या बोलती है, प्रभु उसको मरे हुए चार दिन हो गए हैं, मतलब इम्पॉसिबल हो गया काम, कुछ होने ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, मार्था अपने मन से अविश्वास का पत्थर उठा। बोला हालेलुया। सुनो आप ध्यान से, जो जो असली जो टॉपिक का जो टाइटल वहां पे आ गया हूँ, यीशु मसीह ने क्या बोला, पत्थर उठाओ। क्या बोला, सब सब बोले थे क्या उठाओ, आप आपको असली वाला पत्थर उठाने की जरूरत नहीं, के पत्थर ढूंढते रहे, अभी आपके मन के ऊपर का पत्थर है कि मैं कहां वहां चला जाऊंगा, मैं कहां एक पास्टर बन जाऊंगा, मैं कैसे प्रमोशन में चला जाऊंगा, मैं कौन सा अच्छी नौकरी ले पाऊंगा, कि मैं पढ़ा लिखा, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह में आपको पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, आपके पास यीशु मसीह होना चाहिए, दैट्स ऑल। बोला हालेलुया। एक बात बताता हूँ, हमारे विश्वास की टेस्टिंग के लिए आती है। हालेलुया। एक दृष्टांत दिया गया बाइबल जिसमें लिखा है, एक बुद्धिमान बंदा था, एक मूर्ख था, और एक बुद्धिमान ने कहां घर बनाया, चट्टान पे, पत्थर पे। किसने बनाया, विजडम वाले बंदे ने, बुद्धिमान ने। और जो मूर्ख था उसने कहां बनाया, रेत पे। आंधी आई दोनों के ऊपर बराबर। लो जी आंधी आ रही है पूरे जोर से, धड़ा धड़ धड़ा धड़, जो रेत वाला था वो क्या हो गया, और जो चट्टान वाला था वो खड़ा रहा। 15 मिनट में अंधेरी क्या होगी, खत्म होगी। और सेम विश्वासियों के साथ होता है, जो पेन जो दुख आपके ऊपर आते हैं वो अंधेरी की तरह होते हैं केवल 15 मिनट के लिए, वो सिर्फ आपकी जड़ टेस्ट करने के लिए, आपकी रूट कितनी स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं। कहीं आप रेत जैसे तो नहीं आगे से शेर शेर, और जब हवा चले तो, जब हवा चले तो आपकी खाल उतर जाए, आप अंदर से गिदड़ निकले, ऐसा तो कोई विश्वास ही नहीं बैठा आपके अंदर। अरे भैया सबके चेहरे जी, सबके सब चेहरे दहाड़ के दिखा दे एक बार। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बता दूं, आप यहूदा की शेर के बब्बर शेर के आप बच्चे हैं। हालेलुया। आमीन। आप ताकतवर, आप सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, अब फाइनल आ जाओ, आपके मुंह के अंदर पावर एक सामर्थ्य है, जो बोलोगे वैसा होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। बोले हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने, अगर यीशु मसीह ने लाजर को बोला के हे लाजर, हम पढ़ते हैं एक वचन पढ़ते हैं, प्लीज को फाइनल करेंगे। और क्या हुआ, हे प्रभु, उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से आप तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए चार दिन हो गए हैं। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। क्या किया उन्होंने, पत्थर को हटाया। लो जी आज कितने लोग अपने जीवन से अविश्वास के पत्थर को हटा रहे हैं, कि मेरा कुछ नहीं बनने वाला, मेरा क्या होने वाला। हालेलुया। हटा रहे कि नहीं जी। और सुनो यीशु मसीह क्या बोलता है आपके लिए। और यीशु मसीह ने उसे कहा, तब उन्होंने इस पत्र को हटाया, और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता हूँ कि सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है कि जिसे वे विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, बोलता है, हे लाजर बाहर आ जा बाहर। बोलता लाजर बाहर आ, लाजर बाहर आ। क्या बोलता, बोलिए बोलिए। यीशु मसीह ने क्या बोला, लाजर लाजर लाजर, अरे मुर्दे लाजर जीवित होके बाहर आ जा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से पत्थर हटा लिया है। बोला हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह ने एक बात वहां पे सिखा रहा है कि यीशु मसीह मार्था के विश्वास के काम अकॉर्डिंग काम नहीं किया। यीशु मसीह अपनी जुबान से पत्थर कैसे हटाना है मार्था को सिखा गया, और इसी को विश्वास बोलते हैं। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं आप,
इसी को विश्वास है, जब मुसीबत आपके सामने खड़ी हो आपकी जुबान क्या बोलती है, तब आप टेस्ट की जाएंगे कि विश्वासी हैं या सच में विश्वासी हैं, असली वाले या फिर ज्यादा असली वाले। हालेलुया, आप कैसे विश्वासी हैं जी? आपका नाम क्या जी? मैनुअल। प्रेज़ लॉर्ड। आप कैसे विश्वासी हैं? असली वाले। क्या 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 इस बात का प्रूफ क्या है? अच्छा, अगर आज आजकल कौन सा वायरस चल रहा है? वेरी गुड, कितनी इंटेलिजेंट है। और क्या हुआ, अगर आपके सामने भी आ जाए कोरोना वायरस वाला, क्योंकि कोरोना वायरस एकदम से फैल जाएगा, अगर आपके सामने भी आए कि भाई इसको कोरोना वायरस है, आप क्रिश्चियन लोग हैं, आपकी दुआ में बड़ी सामर्थ है, इसमें मुर्दों को जला देता है, दुख आके देता है, लंगड़े शंगड़े चलते हैं, सब कुछ होता है, लो जी हटाओ कोरोना वायरस, आप क्या करोगे? क्यों करेंगे? डॉक्टर सीधा बोलेगा भाई अगर इसे हाथ भी मिला लिया खत्म। और आपको पता है अगर उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, कभी दिखा देते हैं कि जब डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं, अपनी फैमिली को बाय बाय करके बोलते हैं कि हम वापस आए कभी ना आए, और अब वहाँ पे क्या करेंगे, कोरोना वायरस वाला मिल गया, वो मिरेकल जीसस करेगा। और अगर दुबई एयरपोर्ट पे होने वाला नहीं है यीशु मसीह के नाम से, अगर कोई कोरोना वायरस आ गया आपको क्या करोगे, टिकट कटा के सीधा पाकिस्तान? हाँ जी, और हाँ जी ऐसा होगा? हाँ जी, देख लो खुदा सबको आपकी किताब में लिखा जा रहा है, सारा कुछ जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारा कुछ नोट हो रहा है कि नहीं जी? हमारे पास यीशु का लहू है। हाँ जी, क्या प्रूफ है इसका? हालेलुया, अरे विश्वास ही के कारण हम धर्मी है। हालेलुया, विश्वास है कि लहू है, विश्वास है कि यीशु कहां पर है, बोलो हालेलुया, आमीन। बस एक ही काम करना है, मुंह से पत्थर को हटाना है कि कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से गया, क्या वो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, अगर आप बोले कि नहीं न्याय कहा, कितनी डेथ हो गई है, 1300-1500 हो गई है, जगह जगह फैल रहा है, पहले 2 कंट्रीज में था, 20 में हो गया, 25 में हो गया, ये चीज आपको नेगेटिव कर सकती है। हालेलुया, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे क्या बोलते हैं यार, मेरे माँ बापो, मेरे अजीतो, आपने इस वर्ल्ड में रहते हुए नेगेटिव नहीं होना, ये वर्ल्ड आपको नेगेटिव बनाने की बड़ी कोशिश करेगा, बहुत कोशिश करेगा। और जब भाई जहाँ से बाहर निकलेंगे, आपको पता है हालेलुया, जितने नौजवान भाई हैं, आपको पता है एक चीज़ आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगी कि भाई चल देख लड़कियाँ, ये संसार बड़ा सुंदर है, बड़ा अट्रैक्टिव है, हालेलुया, लेकिन वो चीज़ आपको नेगेटिव ना करे, अपने मन के अंदर अपने खुदावन के यीशु मसीह के लहू की पॉजिटिविटी रखनी है, उसके आत्मा की, उसके कलाम की अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है कि मुझे इसमें नहीं करना। आमीन, हालेलुया। कौन पॉजिटिव रहेगा? एलिया को कौन जानता? मैं फिनिश करूंगा 2-3 मिनट में। एलिया को कौन जानता है? खुदा ने क्या बोला था एलिया को कि इस देश के अंदर क्या करूंगा मैं, 3 साल तक क्या नहीं करूंगा, और जब वापस बाद में तू बोलेगा तब बारिश यहाँ पे हो, और जिस दिन वो आखिरी दिन आया, उसको ऑर्डर मिला, सॉरी जिस दिन उसको वापस ऑर्डर मिला कि अब इस देश में बारिश होने वाली है, अब तू प्रेयर कर, अगर अपने वचन को पढ़ा वहां पे क्या किया तुमने, एलिया ने अपना मुंह घुटनों में दिया और दुआ करने लगा, और जैसे दुआ करने लगा उसने सिर उठा के देखा कोई बादल नहीं आया, उसने सिर उठा के देखा कोई बादल नहीं आया, उसके पास एक बंदा चढ़ा, उसको बोलता जा पहाड़ के ऊपर देख कोई बादल आया, बोलता नहीं आया, देख बादल आया, बोलता नहीं आया, अरे नेगेटिविटी आ गई, यीशु ने तो बोला था, खुदा ने तो बोला था कि तेरे तू बोलेगा बारिश रुकेगी, तू बोलेगा बारिश, अरे नेगेटिविटी होगी, 2 घंटे होगी, 3 घंटे दुआ करते हुए कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मैं फेल हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, लेकिन उसने एक और बंदे को बोला, बोलता जाके देख क्या, बोला एक बार 7 बार देख क्या, वो बंदा 1 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, 6 बार गया, जब 7वीं बार गया बोलता हाँ हाँ मैंने देखा एक चुल्लू भर बादल उठा है, हालेलुया, और उसके वर्ड ने काम किया। हालेलुया, अगर वहां पर नेगेटिव हो जाता तो खुदा का काम नहीं होता, आपको नेगेटिव नहीं होना, खुदा का काम तभी होगा जब आप पॉजिटिव होंगे। आमीन, बोले हालेलुया, आमीन, जय जय प्रमोट हो रहे यीशु मसीह के नाम से, बोले हालेलुया। आपने सुना नहीं है जय जय प्रमोट हो रहे यीशु मसीह के नाम से, पॉजिटिव भरने के लिए बुलाया, हालेलुया, बहुत सारे लोग पकने वाले यीशु मसीह के नाम से, कौन विश्वास करता है? अरे विश्वास परखा गया,
धीरे से बोला आमीन। इतने लोग कहां से आएंगे? हालेलुया। आप विश्वास करो, दुआएं करो, ये हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होगी, वो आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। अपने खादिम को सपोर्ट करें प्रेयर में, उनको आपकी प्रेयर की ज्यादा जरूरत है, है कि नहीं जी? हालेलुया। जैसा आप बोलेंगे चर्च के लिए, वैसा आशीष चर्च में होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में शुरू होना हो जाएगा। आमीन। और खुदा, मैं भी एक हीलिंग पास्टर जी प्रेयर का सेशन मिलेगा मुझे 5 मिनट का। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे। हीलिंग प्रेयर में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर जी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।